इस वक्त मैं कानपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ संतोष भदौरिया जी हैं जो करौली बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संतोष भदौरिया से करौली बाबा तक का ये सफ़र कैसे तय किया आपने? जैसे कक्षा एक से लेकर आदमी ग्रेजुएट हो जाता है, पीजी हो जाता है, फिर अच्छा काम करता है देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, वैसे हो गया। क्या है, सिंपल है। आप सब शुरू से मानते हैं ईश्वर को, मानते मानते एक आगाढ़ श्रद्धा हो जाती है, प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है। इतना ही तो है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास गहरा हो गया है, गुरु का संरक्षण मिल गया है, तो फिर क्या है, जो गुरु के पास वो आपको दे देता है, आप गुरु हो जाते हो। और क्या है, मैंने देखा कि आम लोगों से शुरू से जुड़े रहे। जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं कि सबसे पहले आपने किसानों के मुद्दे को उठाया, महेंद्र सिंह टिकैत से भी आप जुड़े रहे, तो कैसे वहाँ से कैसे आपने आपको शुरू किया? नहीं, हमने जो अपना राजनीतिक जो सफ़र जो था, अराजनीतिक सफ़र कहो, शिवसेना से शुरू किया। अच्छा। मैंने सबसे पहले शिवसेना की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और 17 जिलों में मैंने शिवसेना स्थापित की। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले की बात है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल सही। 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद मतलब शुरुआत ही था, जन्म मान लीजिए लास्ट दिसंबर 84 में तो गठन किया गया। उसके बाद फिर वो संगठन चला। फिर 86 में बाल ठाकरे के लोग मेरे संपर्क में आए, मुझसे मिले, और फिर मुझे उन्होंने विधिवत अपने साथ जोड़ा और मुझे प्रदेश का पहला प्रमुख नियुक्त किया यहाँ पे। ठीक है, वो पहला प्रमुख मैं नियुक्त हुआ, शिवसेना का संस्थापक प्रमुख। उसके बाद फिर हमने 7 प्रदेशों में गठन किया संगठन का। पढ़ते गए, जब शिवसेना राजनीतिक हो गई तो मैंने शिवसेना छोड़ दी। हम आज तक कभी अपने जीवन को चुनाव नहीं लड़े, ना मेरा उद्देश्य था, ना है। मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे? हाँ बिल्कुल, पूरे जुड़े रहे। जेलें गए, जेल काटी है, तो वहाँ रहे, अयोध्या में रहे उस समय जब सब हुआ है, तो मैं अध्यक्ष था उस समय प्रदेश का, तो होना भी मेरा जरूरी था। पवन पांडे वगैरह सब साथ थे वहाँ उस समय, जो विधायक होते थे बाद में। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैं भारतीय किसान यूनियन में टिकैत जी के साथ जुड़ गया, वो अराजनीतिक संगठन था। फिर मैं उसमें 10 साल जुड़ा रहा। बाद में थोड़ा जब वो पॉलिटिकल होने लगे, तो फिर हमने और राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के थे रमेश भंडारी जी, हमने मिल करके फिर एक अलग संगठन बनाया, अराजनीतिक राष्ट्रीय किसान यूनियन के नाम से। फिर जब तक वो जिंदा रहे उसको हम लोग चलाते रहे। उस आंदोलन में टिकैत जी के साथ तमाम संघर्ष हुए, किसानों के आंदोलन होते थे तो तमाम संघर्ष हुए, संघर्ष में तमाम मुकदमे लिखे गए। अब वहाँ लड्डू पेड़ा तो मिलेगा नहीं, तो सत्ता का विरोध सीधे सीधे। तो यहाँ के जो मिनी चीफ मिनिस्टर लोग कहे जाते थे, जो परिवार के लोग थे, उनके हमारे बड़े अब संबंध बहुत अच्छे हैं। उस समय राजनीतिक वो मामला गड़बड़ था, तो फिर वो मामला काफ़ी गर्म हुआ और बड़े बड़े आंदोलन हुए। फिर हमने जेलें काटी और तमाम मुकदमे लगे, NSA लगी उसी झगड़े में। और इसके बाद खैर आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। टिकैत जी ने स्वयं आगे कानपुर में आंदोलन किया, कई बार टिकैत जी गिरफ्तारी दी हमको छुड़ाने के लिए। स्वयं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 3 बार गिरफ्तारी दी मुझको छुड़ाने के लिए। बड़े बड़े आंदोलन हुए, 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठे हुए यहाँ से लेकर लखनऊ तक। उसके बाद फिर सरकार में और हमारे संगठन में जो वार्ता हुई और हमारे ऊपर लगे सभी मुकदमे वापस लिए उन्होंने और NSA भी वापस ले ली। अभी जो आप पे आरोप लग रहे हैं NSA और तमाम मुकदमों का, ये वो मुकदमे हैं जो आम लोगों से मुद्दों से जुड़े हुए किसान आंदोलन के थे? मतलब इसका कोई क्रिमिनल कंट्रोवर्सी से कोई लेना कोई मतलब नहीं इसका? जो भी मामले थे सब न्यायालय में खत्म हो चुके आज से 30 साल पहले। ये 30 साल पहले की बातें बताई जा रही। राजनीतिक रूप से भी बताया गया कि आपके कुछ चेयरमैन वगैरह भी बनाया गया था, उसको भी फिर आपने 2 बार मुझे भारत के राष्ट्रपति ने नामित किया, 2-2 बार किया मंत्रालय की सिफारिश पे, 2-2 बार में गजट हुआ भारत के राजपत्र में। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय में बतौर सलाहकार हमारी नियुक्ति हुई, तो 2 बार किया। वहाँ भी उब गए हम दूसरी नियुक्ति में, वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली, किसी की मदद नहीं हो पा रही, तो क्या फ़ायदा, तो वहाँ से भी रिजाइन कर दिया। तो सब कुछ छोड़ करके फिर हमने, तो कहते हैं ना सब फल खा गए धतूरे में लटक गए, तो वही कांटे चुभ रहे हैं। कह रहे थे बीच में कहीं गुमनामी में भी चले गए, कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है ना, चले जाना अच्छा था। ऐसी सिद्धि के लिए गए थे? नहीं, सिद्धि के लिए नहीं गए थे, शांति के लिए जाता है आदमी, शांति के लिए कुछ समय के लिए चले गए अपने हिमालय में, घूमते रहे, पड़े रहे अपने पहाड़ों कंदराओं में, क्या है, फल फूल खाते रहे, मजे लेते रहे। आपके चले, आप भी जाते रहते हैं। चलिए, एक बात ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी वजह हुई या ऐसा कौन सी स्थिति हुई जिसने आपको ये प्रेरित किया कि अब मुझे इस तरीके से
सन्यासी बनना है या फिर बाबा बनना है या फिर लोगों के बीच जाना है? बाबा बनने का कोई शौक नहीं था, ये हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है। परम पूज गुरुदेव हमारे पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरूपा माँ, क्या उनकी प्रेरणा है, उनके निर्देश उनके आदेश पर यह आश्रम बना और उन्हीं के संरक्षण में यह आश्रम चलता है। यहाँ शिव और शक्ति विराजमान है, इसलिए हर आदमी आता और एक ही दिन में अपने वैदिक कार्यक्रम करके एक ही दिन में स्वस्थ होकर चला जाता है। आप देख रहे हैं एक ही दिन में यहाँ स्वस्थ होकर थैंक यू करके जाते हैं, बगैर मिले हमसे, बगैर मिले हमसे सब कुछ किया है इन्होंने और केवल थैंक यू करने जा रहे हैं। हम कामरू कामाख्या माता की बात कर रहे हैं। यस यस, वो आपकी जो है गुरु माता हैं, तो आप वहाँ भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी कुछ सिद्धि विद्धि का कुछ किया या फिर नहीं करते हैं? हम ऐसे सिद्ध हैं। अच्छा, गुरु सिद्ध है? अच्छा, गुरु सिद्ध है ना? अच्छा, हमारा गुरु पूर्ण है ना, तो सभी में, हम में भी है, सब में। अच्छा, एक आम व्यक्ति जब इस जगह पे आता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मैं ऐसे आम लोगों के समझना चाहता हूँ। आता है तो सबसे पहले बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, सबसे कोई चार्ज वगैरह भी? हाँ बिल्कुल है, RFID कार्ड बनता है। अच्छा, उसमें एक चार्ज है कि 100 रुपये चार्ज होते हैं, ठीक है। उसमें RFID कार्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, उसके आधार पे फिर आप अगर अंदर कोई पूजन हो, सामान लेना है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ पर आप बैंक से अपना पेमेंट कराइए, चाहे अपने कार्ड से कराइए, चाहे कैश कराइए, लेकिन आपका कार्ड में ही जाएगा। आपको यहाँ पर अगर एक अगरबत्ती भी लेनी होगी ना तो आपको पैसे से नहीं मिलेगी, आपको कार्ड के थ्रू ही मिलेगी, RFID कार्ड से। पूरा डिजिटल व्यवस्था है, पूरा डिजिटल व्यवस्था, एक एक चीज़ का डेटा। मोदी जी को आप मान रहे हैं? हाँ, मोदी जी के आधार पर चल रही है ये, मोदी जी योगी जी के आधार पर दरबार चल रहा है, देश नेशन फर्स्ट के आधार पर चल रहा है। उनका भी नेशन फर्स्ट है, अपना भी नेशन फर्स्ट है, धर्म बाद में, पहले राष्ट्र है। तो यहाँ पे कोई सामान आपको, आप चले जाइए हर काउंटर पे, एक भी सामान आपको कैश नहीं मिलेगा, इतना धागा नहीं मिलेगा आपको, एक अगरबत्ती नहीं मिलेगी कैश, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़ का यहाँ टैक्स पे किया जाता है। एक छोटा जागा ना, बार हर चीज़ बार कोड पे देखा है हमने, आपने देखा है ना? नहीं भाई, देखा नहीं, मैं देखूंगा। देखें आप, जाएंगे, मैं जानना चाह रहा था जी। तो आप कुछ चीज़ मांगे, हर चीज़ बार कोड लगा होगा, हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी, किसी काउंटर पर केवल आपको बार कोड से करके आपको दे देंगे। तो इसलिए हर जगह सबका डेटा एक जगह है, हर चीज़ सीधे बैंक में जाती है, हर चीज़ का टैक्स देते हैं और खूब मज़े में आराम से रहते हैं, भक्तों को आनंद में रखते हैं, खुद भी आनंद में रहते हैं। किस तरह के लोग आते हैं अमूमन, जैसे कि अगर मैं जानना चाहूँ आम लोगों के लिए? यहाँ हर प्रकार की असफल, पूरे समाज में घूमे हुए लोग, सारे डॉक्टरों से पीड़ित, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से पीड़ित लोग, भक्त लोग, उनका परिवार पीड़ा से तड़पता हुआ यहाँ आता है, सब जगह धक्के खा करके आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के अपने वैदिक नियमों का यहाँ पालन करता है और स्वयं स्वस्थ हो जाता है पूरा परिवार एक साथ, और हमको थैंक यू करके चला जाता है। इसके लिए क्या कोई आपने बीमारी के आधार पे समय सीमा भी तय की है? जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी को ज्वर है तो वो कितने दिनों में ठीक होगा, किसी को मानसिक उम्र इमीडिएट, जैसे आपको डिप्रेशन है तो तुरंत ठीक एक ही दिन में, एंजाइटी डिसऑर्डर है आपका एक ही दिन में ठीक, आत्महत्या हत्या खूब ख्याल आते हैं, मरने मारने का खूब गुस्सा आता है एक ही दिन में ठीक, पति पत्नी में तलाक हो रहा है आपस में ले आओ दोनों लोग एक ही दिन में ठीक, कोई डिमेंशिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया जिसको लोग भूत प्रेत कहते हैं बीमारी, जबकि वो बीमारी है, भूत भूत कोई है नहीं, अपनी स्मृतियाँ ब्रेन को पागल बनाए आदमी झूम रहा है, वो एक ही दिन में ठीक, दोबारा झूमेगा नहीं, काम खत्म हो गया एक ही दिन में, जो जिंदगी भर चले जा रहे हैं प्रेतराज सरकार के जय बोलते हुए, कहाँ जा रहे हो, हाजिरी लगाने जा रहे हैं भाला जी, एक ही दिन में यहाँ ठीक ठीक। कोई भी मस्कुलर सॉरी जो आपके जो न्यूरो की जितनी डिजीज हैं है ना, जैसे OCD है, परिवार में तलाक की पहली वजह है, एक दूसरे को देख के छिड़ते हैं पति पत्नी, पहले शक होता है फिर छिड़ते हैं फिर नफरत घृणा फिर अलग अलग, ऐसे बच्चों माता पिता में होता है, तो ये सभी चीज़ें एक दिन में ही ठीक हो जाती हैं सब कुछ सेम डे। तो ये बीमारी कौन सी है ये कौन तय करता है? ये लोग पहले से लेके आते हैं बता के आते हैं या फिर यहाँ भी कोई ऐसा सेंटर है जिसमें कि स्क्रीनिंग होती है कि आपको ये बीमारी है ऐसा कुछ? नहीं, बताते हैं ना मैं बीमारी, हम दरबार बता देता उनको उनको कि आपको ये बीमारी, बोलते हैं ये है खत्म। देश जो है एक तरीके से जाते हैं, देश चांद पे और मंगल पे जाने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या ऐसा आपके पास कौन सा ऐसा इलाज है, क्योंकि हम एलोपैथ को मानते हैं, पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है, जो कि अध्ययन पे आधारित है या रिसर्च बेस्ड है? ये जो हम कर रहे हैं अध्ययन पे नहीं, उठाइए पुरातन काल के सभी शास्त्र, वेद पुराण उठाइए, भरा पड़ा है, क्या जाने चिकित्सा विज्ञान, अभी एक पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने, एक पन्ना कहीं मुड़ता हुआ मिल गया होगा तो मन गई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, अरे पूरा तो पढ़ के देखो,
इनकी हर दवा बदल जाती 10-5 साल में कि साइड इफेक्ट होने बंद करो बंद करो, हजारों दवा बंद होती है इनकी। आयुर्वेद की एक दवा बंद हुई, एक दवा का नाम बताइए। पिछले 10,000 साल से आयुर्वेद है, उसकी औषधियाँ हैं, एक दवा बंद हुई कोई जिसका साइड इफेक्ट हो? क्यों? पूर्णता के आधार पर देखा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है उसको, इसलिए पूर्णता के आधार पर लिखा गया, कभी गलत नहीं होगा। ये अपूर्ण है अभी जो झिंडोरा पीट रहे हैं, कि जितने रोग मैंने बताया आपको। चिकित्सा विज्ञान को ओपन चैलेंज है, एक दिन में नहीं पूरी ज़िंदगी में ठीक करके दिखाएं, यहाँ एक दिन में ठीक है ले आओ, चैलेंज है एकदम ओपन चैलेंज, ले आओ 10,000 आदमी एक साथ, एक दिन में ठीक है, करिए वैदिक नियम का पालन, एक दिन में ठीक ना हो जाए तो दरबार उसी दिन बंद। ओपन चैलेंज है ना, मेडिकल साइंस को ओपन चैलेंज है ये मेरा, खुल के कहिए TV9 पे, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश सुन रहा है पूरा आपके माध्यम से। आप डिप्रेशन के मरीज हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, आपके जोड़ जोड़ में दर्द है, ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं साहब हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आप कहते हैं कि नहीं साहब हमको बाइपोलर डिसऑर्डर है, हमें मेंटल डिसऑर्डर है, वो कहते हैं साहब ने इनको डिमेंशिया है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, वो बोलेंगे नहीं साहब इनको तो ड्यूअल पर्सनालिटी है, और आएंगे बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं MS है, तो ये सब चीज़ें वो बताएंगे, OCD है, इसकी तो इनके इलाज नहीं है ना इनके पास, इनसे पूछो इसकी औषधि है, जब इनके पास औषधि नहीं है तो ठीक कहाँ से करेंगे? दरबार एक दिन में करता है अपने आप, अपना पालन करते हैं, संकल्प करते हैं, अच्छे हो जाते हैं अपने आप। आपके कुछ वीडियोस में देख रहा था, वायरल हो रहा था, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि आप किसी की एज बढ़ा देते हैं, ये लंबाई बढ़ा देते हैं, ये कैसे संभव है? आप कहना चाह रहे हैं अपने आप संकल्प करता लंबा हो जाता, तमाम रिकॉर्डेड है, सैकड़ों लोग लंबे हो गए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, एक बार हम कर लेते हैं, बुला लेते हैं सब भक्तों को, तो बड़ा अच्छा रहेगा, सब मीडिया आ जाए और उन्हीं से इंटरव्यू लेता रहे 2-4 दिन, ऐसे भक्तों जो लंबे हो गए, मोटे थे, पतले हो गए। कितने दिनों में लंबाई बढ़ाने का दावा करते हैं? नहीं नहीं, लंबाई बढ़ाने का दावा थोड़े ना है, बढ़ने का दावा है। अच्छा, मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, आप प्रार्थना करते हैं, आप संकल्प करते हैं, जो एक दिन का आपने अनुष्ठान किया उसकी ऊर्जा आपके पास है, आपके संकल्प को वही पूरा कर रही ऊर्जा, आपका स्मृति गई उस चीज़ की लंबे होने की, तो आप लंबे हो रहे हो, आपकी स्मृति पतले होने की, आप मोटे पतले हो रहे हो, मतलब आपने जैसा सोचा उस हिसाब से सामने वाला हो जाता है, ये आपका दावा है। मैं नहीं सोचता। अच्छा। जो स्वयं होना चाहता वो सोचता, वो प्रार्थना करता, संकल्प करता है, तो वो ऐसा होता है। अच्छा, ये मेरे करने से थोड़ा हो रहा है, देखो आपसे रास्ता बताते हैं ये, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये नियम यहाँ पर 3 है, एक नियम है कि आप हवन विधि से ठीक होते हो, हवन विधि, ये हवन विधि एक दिवसीय से ठीक होते, दूसरी विधि है बिना कोई हवन किए, बिना 1 रुपया खर्चा किए, कुछ भी नहीं आपके पास है, एकदम चढ़ी बनियाइन में आप हैं, खाने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, तो रहने की व्यवस्था है फ्री, खाने की यहाँ व्यवस्था है 24 घंटे फ्री, और अनुष्ठान जो हम करते हैं बैठ के हवन करते हैं शनिवार, उसमें गरीब लोग आते हैं, अपने आप बैठते हैं, हाजिरी देख चले जाते हैं, वो सब अच्छे हो जाते हैं अपने आप। तो जिसके पास जैसी व्यवस्था है, मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोई फर्स्ट AC में बैठता क्षमता है, कोई सेकेंड AC में, कोई 3 टायर बैठता है, कोई जनरल कोच में चला जाता है, ऐसे तो है ना, तो जिसके पास जो क्षमता है, किसी के पास समय नहीं, कहता हम तो एक दिवसीय करेंगे, तो करके अच्छे चले जाते हैं, किसी समय है वो कहता हम आएंगे किस शनिवार, तो वैसा करता है। कुछ लोग आपके इनके खिलाफ जो है कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, अब ये थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, उनका ये कहना है कि भूत प्रेत और तमाम तरह की चीज़ों के नाम पर आप एक तरीके से ठगी कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। कोर्ट में आगे तक पूछेंगे ना, ये है ना किताब मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है 2020 में। अच्छा, आप देख पाएंगे? ठीक है, 2020 ठीक है, देख रहा है? ठीक है, चलिए, क्या लिखा? भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, ये संकल्प है दरबार का। ठीक है, पहली अभी पुस्तक शुरू होने के पहले विषय सूची के पहले उद्घोषणा है। क्या उद्घोषणा है? मैं पढ़ दूँ कि आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ, चल रहा है? ठीक, मैं इसे चला जाए बहुत अच्छा है, लेकिन दिखाना जरूर इसको। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, ठीक है, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वे ही रहस्य या चमत्कार लगते हैं।
तो दरबार तो खंडन करना पहली बात होता ही नहीं। तो ठीक है, मैं इसकी पहली लाइन पे ही जाता हूँ। अस्तित्व में अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती है। जवाब आगे लिखा है, जवाब आगे लिखा है इसका, क्या लिखा है? इसलिए प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते हैं वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। आपको नहीं समझ में आया नियम रहे उसका, तो आपको चमत्कार लग रहा है, मुझे चमत्कार नहीं लगता ना। मैं कहता हूँ चमत्कार करता हूँ, ये तो खंडन कर दिया ना, होता ही नहीं। लेकिन लोग जिस चमत्कार को नमस्कार करने आ रहे हैं इतनी बड़ी भीड़, वो माने चमत्कार, दृष्टि है आपकी। हम रसगुल्ला कह रहे हैं, आप काला जाम कह रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना आशय स्पष्ट कर रहा हूँ साफ साफ। आगे इसमें दरबार में कह रहा है, इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास रूढ़िवाद आडंबर दिखावटी कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन करती है। किसी भी प्रकार के जादू टोना सम्मोहन उच्चाटन पीर मजार की कोई पूजा चढ़ावा जीव की बलि मांस भक्षण और मदिरापान आदि का जोरदार विरोध करता। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण उत्पीड़न करने वाले तथा कथित तांत्रिकों को अभिचारिकों को झाड़ फूंक करने वालों के कृत्यों का विरोध करता है। पुस्तक में, इस पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में शास्त्रों में श्रीमद्भागवत गीता में उल्लिखित है या संप्रदायों में परंपराएं हैं। ठीक है, वेद शास्त्रों में जीवन यानी आत्माओं के निम्न कोटि के रूप और नकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में भूत प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। प्राकृतिक विधान में दिखता है, महसूस होता है, बहुत व्यक्ति इसके प्रमाण है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी उद्घोषणा में इस बात को, मैं मान, मतलब आपने लिखा है कि यहाँ पे इस तरह का ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। यहाँ पे नहीं, सृष्टि में नहीं है, लिख रहे हैं हम, होता ही नहीं कोई चमत्कार नहीं सृष्टि में। ठीक है, आप के मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पे देख रहा था कि आप यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जैसी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। दावा ऐसा नहीं किया, मैं दावा थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो विधि बता रहा हूँ मैं। भाई आओ, अगर नहीं लड़ना है, यहाँ पति पति नहीं लड़ रहे हैं, तलाक जा हो रहा है, यहाँ आते हैं अपना एक दिन का अनुष्ठान करते हैं, यहाँ ऐसे जाते हैं जैसे आज शादी हुई है, उसके बाद बोल के थैंक यू शर्माते हैं आपस में, जो गाली गलौज कर रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, तलाक हो रहा होता है कोर्ट में, यहाँ तो 6 साल बाद लोगों ने आके दोबारा शादी की है, देखिए वीडियो। केवल यहाँ पे पति ने अलग किया, पति ने अलग किया हवन, और दोनों की बुद्धि खुल गई, उनका बड़ा गलत किया, ये तो कैसे कर लिया, फिर दोनों ने ही शादी की, वीडियो पढ़े दिखा देना भाई सबको। अब यहाँ तो ये होता है, तो जब वो पति पत्नी तो तलाक ले गए एक हो जाते हैं, तो दो राष्ट्र क्यों एक नहीं हो सकते, दो राष्ट्र अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते, उन दोनों को आना पड़ेगा फिर यहाँ, क्यों नहीं आना पड़ेगा, पति पत्नी आ रहे उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जादू टोना तो हो नहीं रहा कि मैस कर देंगे। वैदिक नियम का पालन करना पड़ेगा, सनातन धर्म का जो है, जो दरबार में है, और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई पद्धति उसमें करना पड़ेगा। एक दरबार बाबा बागेश्वर भी लगाते हैं, उनके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ठीक कर रहा, तो दरबार लगता क्या, कथा करता है सुंदर, सुनो सुनना हमें क्या, कथा करेंगे, हम खुद सुनने चले जाएंगे, क्या दिक्कत, कथा सुनने में क्या दिक्कत है, इसमें क्या आपत्ति है। मुझे, मेरा कोई भूत प्रेतों से विरोध है मेरा, बस ये जो उनसे विरोध है मेरा, भूत प्रेत का किसको भी करता है। बाबा बागेश्वर जो कहते हैं वो कि हम अब तुम्हारी पुरानी बातें सब बता देंगे, पर्ची निकाल देंगे, क्यों नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकता पुरानी बातें, वो तो विद्या है, बता देगा। यही बात तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार थोड़े ना है। अभी मैं आपसे पूछूं, आपके पत्रकारिता के बारे में सब बता दोगे आप, क्योंकि आपने उसका अध्ययन किया है, आपने पढ़ाई की है। अब मैं इनसे पूछूं, बताओ जरा पत्रकारिता के बारे में क्या नियम, ये बता पाएंगे? तो उसने इसी की विद्या की साधना की है, शुरू से बचपन से इसी में रहा है वो, तो और क्या मिलेगा उसको, अब वो स्कॉलर तो हो नहीं जाएगा, वो इसका स्कॉलर है, इसका चैंपियन है, इस विद्या का चैंपियन है ना वो, तो उसको तो बात करेगा ही करेगा। आप पूछो, आपके बता देगा कथा आपकी पूरी, क्या आपत्ति है बताने में। उसने ऐसा साधना की है, प्रार्थना की, गुरु सेवा की, तो मिला है कुछ, मैंने नहीं गुरु सेवा की, मुझे मिला है, तो मैं बांट रहा हूँ सबको, उसको मिला वो बांट रहा है, आपत्ति कहाँ है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप कितना सहमत हैं इससे? अरे हिंदू राष्ट्र किसको नहीं बनाना है, हम तो खुद ही चाहते हैं, लेकिन समस्या कि कैसे बने, अभी अभी तो बन नहीं सकेगा। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, ये जहाँ इतना हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो है, पहले से हिंदू राष्ट्र है। अब कागज बनाना है तो ठीक है, जब भूम उठेगी कुछ आगे आंदोलन चलाएगा तो ठीक है, हम भी साथ हो जाएंगे भाई। तो मशाल में आपकी भी एक डॉक्टर, हाँ एक मसाल क्यों नहीं, सारी मसाले शामिल हो जाएंगी उसी आंदोलन में, क्यों नहीं शामिल होंगे। अगर हम बात इसके इतर थोड़ा सा करें, वो कह रहे हैं कि सनातन को भी जो है सामने लाना पड़ेगा, तो सबको आपको सनातन, सनातन धर्म को भी, बागेश्वर कह रहे हैं सनातन धर्म को भी सबको अपनाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये भी सब समस्या का समाधान है? बिल्कुल, समाधान तो यही है, बगैर सनातन ये सब जीरो है, बगैर सनातन ये सब जीरो है।
सनातनी तो प्रकृति है, सनातनी पूरी सृष्टि है, सनातनी तो नियम है ना। सनातन जो बात कर रहा है नियम की बात कर रहा है, मुंबई में नियम की बात कर रहा है। मुंबई में जब बाबा बागेश्वर का समागम हो रहा था तो वहाँ के राजनेताओं ने ये बोल के विरोध किया कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। आपको लगता है कि क्या वाकई में अंधविश्वास फैलाते हैं? अरे भाई ये अंधविश्वास है, लाखों लोग सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, ये सब अंधविश्वास ही हैं। अच्छा ठीक मान लिया अंधविश्वास, तुम्हें क्या आपत्ति है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अंधविश्वास वो लोग कल के छोड़ चले जाएंगे कल, बाकी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? जो लोग आ रहे हैं श्रद्धा से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रेम से आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पेट में दर्द काहे के लिए हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है लोगों के, क्यों लाखों लोग चले आ रहे हैं? सनातन धर्म आगे ऊपर कैसे जा रहा है? जरा जरा बच्चे आकर के सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो दर्द होने लग गए पेट में। तो ये दर्द जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब दो तीन मेरे सवाल ऐसे हैं जिसमें कि इस तरह के भी आपके ऊपर जो है आरोप लगे कि आपने कम समय में बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली, ऐसा लोगों का आरोप। अंबानी से पूछो, अडानी से पूछो, अडानी से, अंबानी से पूछो जाके, बड़े कम समय में आप आगे चले गए हैं। तमाम लोग पूछिए, वो तो 10,000 करोड़ में चले गए, देश को लूट के चले गए, कहाँ से आ गया? अरे यहाँ तो भैया जो आता है भक्तों में खर्चा होता है, बचता है, टैक्स देते हैं, बाकी बैंक में जमा होता है, राष्ट्र के खाते में जमा है, दिक्कत कहाँ है? उसकी सारी FD होती है, पड़ी भाई ले लो FD ले लो सारी, और क्या है? सब बैंक में तो पड़ा है, राष्ट्र के नाम तो पड़ा हुआ है सब। तो इस तरह के आरोप आपको लगता है कि ये बेबुनियाद है? षड्यंत्र। कौन कर रहा है षड्यंत्र? हाँ सनातन धर्म के विरोधी, देखिए एजेंट कैसे पोपू कर रहे हैं, चारों तरफ चिल्ला रहे हैं। एक बताइए, कोई एक छोटी सी बात कहीं हो गई है, हल्का से लपड़ थपड़ किसी को कहीं कुछ आपस जो भी हुआ हो, कभी आप ऐसे इकट्ठे हो गए कभी इकट्ठे? आप लोग पूरा देश का मीडिया गया वहाँ पे कभी? गया? कभी नहीं गया। आज क्यों मीडिया इतना इकट्ठा हो गया, पूरा देश का नेशनल मीडिया खड़ा हो गया आकर के, अरे सर थप्पड़ कैसे मार दिया गया यहाँ? कभी गए? इसके पीछे लगता नहीं कोई है? नहीं लगता है? आपको लगता है कि डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं इसके पीछे एक षड्यंत्र? बिल्कुल एजेंट है वो, मोहरा बन गए हैं सनातन धर्म विरोधियों के एजेंट हैं। एक ex DGP है प्रदेश में, वो भी इसमें लगे हुए, उन्होंने थाने में बैठकर FIR लिखाई है बगैर जांच करने दिया, जांच नहीं करने दी पुलिस को, एक महीने बाद आकर के FIR लिखा रहे हैं। आप यहाँ से आप यहाँ आए, अगर आप देखो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ आदमी बात अलग है, पढ़े लिखे आपके साथ कोई घटना हो जाए भी यहाँ कहीं हो जाए, आप तुरंत क्या करोगे? 112 डायल करोगे? पुलिस आएगी? नहीं करेंगे आप? करेंगे? वो साहब नहीं डायल करते, बोले नेटवर्क नहीं था। अच्छा चलो 1 किलोमीटर आगे चले गए, गाड़ी में आप थे अपनी, वहाँ मिला लेते, नहीं मिलाया, जब घटना हुई होती तो मिलाते। रास्ते में चौकी पड़ती है 1.5-2 किलोमीटर रोड के ऊपर बनी हुई है, वहाँ भी कुछ नहीं बताया। उसी रोड पर 20 अस्पताल बने हाईवे तक पूरे, किसी अस्पताल में चिकित्सा नहीं कराई। आदमी को चोट कष्ट होता तो सीधे जो पहला अस्पताल मिलता है वहीं जाता है ना, कि 50 किलोमीटर दूर जाएगा, नोएडा जाएगा, तो अस्पताल भी नहीं जाते हैं आप। उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं दुनिया भर की, और प्लानिंग करके फिर आप घर जाते हैं, एक महीना बाद सोच के फिर प्लानिंग करके पूरा षड्यंत्र रच करके, साहब मुझे तो बहुत मारा गया और ये किया गया, वो किया गया, ये देखिए वो देखिए, और आकर के एक ही दिन में सारा आपकी फायर हो जाती है। इतने ताकतवर हैं आप, आपके पिताजी मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि हाँ तमाम IAS ऑफिसर, तमाम IPS उसके दोस्त हैं, अब कह रहे नहीं तो ये करो वो करो, अब उसके बाद लिखाया है सब, तो प्लानिंग करके लिखाया है ना। फर्स्ट जो घटना हुई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने कहीं, तो FIR थोड़े ने, सुनियोजित कथा है ये जो उन्होंने लिखाया है, और एक महीने बाद लिखाया है, वो भी इतना बड़ा वेतन लो, तुरंत रातों रात पूरा मीडिया खड़ा कर दिया देश का, करे साहब मार डाला, काट डाला, फट डाला, लूट लिया, डकैती डाल दी घर में मारे, और एकदम बचे नहीं, सब काट डाला सबको, बिल्कुल ख़त्म हो गए हम लोग। अरे कौन सी बातें कर रहे हो भाई, क्या ये जो FIR उन्होंने लिखाई है FIR, ये मेरे ख्याल से अगर हम बात करें देश भर में तो रोज़ कम से कम नहीं तो 10,000 लिखी जाती होंगी। आप जाते हैं 10,000 में से एक बार एक भी जगह? गए कभी? नहीं गए, ठीक है। लेकिन यहाँ इसलिए कि सनातन धर्म अपनी शक्ति दिखा रहा है, अपने को प्रमाणित कर रहा है, इसलिए इतना होने पाए, रुके ये अभियान, रुके तो अभियान रुकने वाला। आरोप ये भी है कि पुलिस को जांच में सहयोग नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप उनकी तरफ से। अब ये तो पुलिस बताएगी, ये तो पुलिस का विषय है, हमारे पास तो आती है, हम तो जवाब देते, बैठे 24 घंटे और सो रहे, जगा के जवाब ले लो।
आपको आतंकवादी तक बोल दिया गया। हाँ, उसका जवाब कोर्ट में देंगे वो। आतंकवादी हम हैं, भूमाफिया हैं, तो इसका जवाब वो देंगे। तो आप इस पूरे मामले के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। मानहानि का मुकदमा लेके? नहीं, वो आगे विषय है, जो इसे हमारे लॉयर्स सलाह देंगे वो ऐसा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम व्यथित हैं कि उन्होंने आतंकवादी कहा, और हमारे भक्त व्यथित हैं कि मुझे आतंकवादी कहा गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल फिर से पूछना चाहूँगा उन तमाम भक्तों की ओर से और उन लोगों की ओर से जो यहाँ आते हैं, ये श्रद्धा है, विश्वास है, चमत्कार है या अवतार? पूरी ईश्वर के प्रति आस्था है, अपने सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है, अटूट विश्वास है। और एक दूसरे जब ठीक होके जाते हैं तो एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, तो सब ठीक होते हैं, तो वो अगले को रिकमेंड करता है, फिर वो ठीक होता है तो और चार को रिकमेंड करता है। वही भीड़ है, भूत पिशाच, ये सब तंत्र मंत्र से कोई लेन देन? बकवास है, एनर्जी के नाम है ये, ऐसा कोई भूत प्रेत आदमी खा जाएगा? शिव शिव मंत्र से ही सब कुछ हो जाता है? अब भाई बोल देते हैं, हमको नहीं बोलेंगे कल से, आज से नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। अगर पेटेंट करा लिया किसी ने शिव के ऊपर और ओम के ऊपर पेटेंट किसी ने करा लिया है, और बैलेंस शब्द पे, संतुलन शब्द किसी ने पेटेंट करा लिया, तो नहीं बोलेंगे, क्लेम कर दे मेरे ऊपर, और क्या करें इसके लिए। चलिए, किसी ने पेटेंट कराया हो तो भैया क्लेम कर दो, अभी झेल लेंगे हम, जैसे फर्जी ये झेल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसी बहाने आप सब मित्रों से बहुत मिलना हुआ, और ये देश में पूरा संदेश जा रहा है कि सनातन धर्म की ताकत बहुत बड़ी है, सब भक्त ठीक होकर बैठे हैं सामने। आपकी क्या समस्या थी जिसका समाधान यहाँ पे हुआ? मेरी समस्या यह थी क्योंकि मेरे को फिट्स की दिक्कत थी, मेरे फिट्स का बीमारी 2017 से थी, वो ख़त्म हुई, मेरा बच्चा बोलता नहीं था, वो ठीक हुआ। जो मैं संकल्प लेती हूँ वो मेरा मोस्टली पूरा होता है गुरु जी से। आपको कितने दिन में फिट्स ठीक हुए? मेरे एक महीना की दवाई चली थी बस, उसके बाद गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने ठीक कर दिया। मैं क्या किया गुरुजी ने? गुरुजी ने लेपन बताया मुझे और बंधन वगैरह बांधा, और ये क्या कहते हैं, ये संकल्प होता है मंगलवार का, वो करती हूँ, उससे ठीक होते जा रहे। अच्छा, उसके बाद से आप यहाँ रेगुलर आती हैं? हाँ जी, 2 साल हो रहे हैं मुझे, दूसरी साल लग गई है। आप कहाँ रहती हैं, क्या नाम? दिल्ली, पूजा सेठी। पूजा सेठी, आप दिल्ली रहती हैं? जी जी। और उसके बाद उसका, उस वक्त आपका एलोपैथ का भी ट्रीटमेंट चल रहा था? एलोपैथ भी चल रहा था, होम्योपैथिक भी चल रहा था, उससे कोई इलाज नहीं पड़ा था, उससे कोई वो नहीं हुआ था लाभ मुझे। अभी आप पूरी तरह ठीक हैं? अब मैं पूरी तरह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद, मैं बिहार गया अत्री से आया हूँ। ठीक है, क्या परेशानी थी आपको? परेशानी 2019 से हम कुछ के चक्कर होकर गिर जाते थे। अच्छा, गया मेडिकल में जाँच किया, इसका जाँच किया, सी टी स्कैन क्या कहता है, ब्लड सब मेरा सही था, यहाँ हम फरका कोई कहे, कोई मिर्गी कहे, कोई हार्ट कहे, अब यहाँ कान से भी हमको रिम गिरता था। 8/2/2023 के यहाँ नामांकन किए, अर्जी वगैरह जो कहते हैं, अब उस दिन से 6 हमको शनि हुआ है, 2 कल परसों हुआ अथी अमावस्या, करने गया कान वाला बहे वाला, करने गया चक्कर, करने गया मिर्गी, करने गया फरका, अभी हमको बाकी है कैसे करना। हाँ, अभी कान के रिमो ना है, सुनते थे नहीं, आप क्या बोलते थे सुनते भी नहीं, गाड़ी से हम चाप भी जाते थे। अब अकेले हैं, गला में हम टांग रहे थे का जी, कि मेरा बिहार गया यात्री रामचंद्र प्रसाद जनार्दन यादव के बेटा, बेटा का नाम पंकज कुमार, भतीजा का नाम शरण कुमार। अब पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से, लेकिन क्रिया बाकी है, 21 को हमको शनि करना होगा, शनिवार का 7 को अमावस्या। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, आपकी क्या परेशानी थी? मेरी 5 साल से मेरे शरीर में दर्द रहता था, झंझनाहट पूरे शरीर में, और मतलब डिप्रेशन टाइप का सा रहता था। तो यहाँ आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन, अभी दरबार से जुड़े हुए मुझे 1 महीना हुआ है, तो अभी मेरी 80% समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अभी पूरी हवन प्रक्रिया भी कम्प्लीट नहीं हुई है, और यहाँ के इतना मतलब मन प्रसन्न हो रहा है कि जितना डिप्रेशन सा रहता था, मन चिंतित रहता था, वो बिल्कुल यहाँ आके ख़त्म हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब जो साजिशें चल रही हैं, दरबार को बदनाम करने की साजिश है, और यहाँ जो भी आएगा अपनी मुराद लेके, वो पूरा कंप्लीट 100% सही होके जाएगा। कब से आप परेशान थे? मैं 5 साल से परेशान था, मैंने पूरी बहुत दवा कराई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, सिर्फ पैसा बर्बाद करने के डॉक्टर। समस्या जड़ से खत्म हो गई? बिल्कुल, अभी 80% समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो मुझे 5 दिन हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं बड़े भाई? नहीं, मैं तो आगरा से आया। आगरे से आया, आपका शुभ नाम? मैं दिलेश चंद ठाकुर। क्या? दिलेश चंद ठाकुर। अच्छा, अभी क्या परेशानी हो रही है आपको? मेरे को जो मेरे गाड़ी लेके आया था। आज आप सिर्फ गाड़ी लेके? आप कहाँ से आए हैं?
हम कानपुर से आए हैं। अच्छा, आपकी क्या परेशानी है? एक लड़का रिजेंसी में एडमिट था, तो डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, तो वो ठीक नहीं कर पा रहा, तो बाबा के पास फ़ोटो दिखाया, तो बाबा ने कहा कि इसकी किडनी, गुर्दा, लीवर और पाचन तंत्र खराब हो चुका है। फ़ोटो दिखाया तो उसी से बता दिया बाबा ने। फिर एजेंसी में डॉक्टरों ने यही बात डॉक्टरों ने ही बताई, फिर उनको वेदांता ले गए, बाबा ने बबूत दी तो थोड़ी आराम मिली, फिर वेदांता ले गए तो अब मरीज ठीक हुआ। एजेंसी में एडमिट था, नहीं ठीक हो रहा था, बाबा ने जो बताया वही काम किया तो ठीक हो रहा था। बाबा के बबूत से आपका मरीज ठीक हुआ? हाँ, उससे काफ़ी लाभ मिला, फिर वेदांता ले गए, वहाँ ठीक हुआ। ठीक।